तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम को अपने इन गंदे हाथों से खाना खिलाने की? तेरी इतनी मजल? साहब ऐसी बात नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। ओए मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम मैडम को अपने इस गंदे हाथों से खाना खिला रहा था। सर ऐसी बात नहीं है, बात समझिए आप। अरे हर्षित भाई क्या हुआ? अरे देखना विक्रम, इसकी इतनी मजाल कि मैडम को अपने हाथों से खाना खिलाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तू अपने गंदे हाथों से मैडम को खाना खिलाएगा? इनफ, बहुत हो गया तुम लोगों का। अरे तुम आखिर किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? जिस तरह से तुम लोग इस कंपनी में काम करते हो, इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, उसी तरह से ये भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी भी एम्प्लॉय के साथ ऐसा बर्ताव करो। मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और आप भला इसकी साइड क्यों ले रही हैं? बिकॉज जिस गलती के लिए तुम लोग इन्हें इतना मार रहे हो और सुना रहे हो ना, वो काम करने का इनका पूरा का पूरा हक है। बिकॉज ही इज माई हस्बैंड। अरे सना सुबह से काम में लगी हुई है, उसने नहीं खाया होगा तो मैं कैसे खा रहा हूँ? पहले उसी को खिला कर आता हूँ। मैडम लंच टाइम हो गया और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप लंच कर लीजिए। अरे आप मुझे मैम क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। घर पर ना, ऑफिस में तो मैडम हो, और तुम्हें इस मकाम पर देख कर मेरा मन पता क्या करता है कि मैं अपनी मैडम को सलाम करूँ। अच्छा मैं ना काफी ज्यादा बिजी हूँ काम में, क्या आप मुझे अपने हाथों से खिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैडम हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हो गई। हमें पहले पता होता कि आपके हस्बैंड ने, तो हम इनके साथ ऐसे बर्ताव नहीं करते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यस मैम हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। माफी? और तुम दोनों को, क्या तुम लोगों को ये पता है कि तुम दोनों की ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं रिगार्डिंग योर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर एम्प्लॉयज, कि बाकी के एम्प्लॉयज के साथ तुम कैसा बिहेव करते हो, और तुम लोग अपना परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो। तुम कंपनी के कामों में भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसी वजह से मैं तुम लोगों को पहले ही अपने कैबिन में बुलाकर बात करने वाली थी। या तो मैं तुम्हें वार्निंग देती या फायर कर देती, बट अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस हरकत के बाद ना मैं तुम्हें इस कंपनी में रखूंगी नहीं। तुम जैसे लोगों की मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। गेट आउट, यू बोथ आर फायर्ड। मैडम आप प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए, हमें एक मौका दीजिए, हम आगे से हमारे बारे में आपको कुछ सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्लीज हमें एक चांस दीजिए। सना कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इन लोगों को पता नहीं था। अपना गुस्सा शांत करो और माफ कर दो इन्हें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं इसीलिए मैं इन लोगों को माफ कर दूंगी और आखिरी मौका दूंगी। देखा तुम लोगों ने, तुम दोनों ने इनके साथ कैसा बिहेव किया, इनको आते ही थप्पड़ मारा और कितना कुछ कहा, फिर भी इन्होंने तुम दोनों का साथ दिया। ये होती है एक अच्छे इंसान की पहचान, और मैं अपनी कंपनी में अच्छे इंसानों की ही कद्र करूंगी। अपनी कंपनी में मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, इसीलिए तुम दोनों अपना बिहेवियर चेंज करो। आज मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, लेकिन आगे से याद रखना, अगर मुझे तुम दोनों की एक भी कंप्लेंट आ गई तो मैं तुम दोनों को कोई मौका नहीं देने वाली, सीधा फायर करूंगी। अब जाओ जाकर अपना काम करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अब तुम अपना गुस्सा थूको और आराम से बैठो।